Yeah. Listen to that funky guitar. Come on. Two words. Just dance. जियो यूजर्स के लिए सुबह सुबह आज 12 अक्टूबर है का ब्रेकिंग न्यूज आ गया है दोस्तों। ये मामला जो है अब पेंडिंग में चला गया है 7 दिनों के लिए। दोस्तों आपको बता दें कि ट्राई जो टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सभी टेलीकॉम के सभी सिम कंपनी के हेड होते हैं, ये सरकारी संस्थान है। तो इनके पास दोस्तों जो है ये अभी तक सबमिट नहीं किए हैं, जैसा कि न्यूज रिपोर्ट निकल के आ रहा है दोस्तों कि जियो जो है अभी तक ये सबमिट नहीं करा है। सबमिट करने के बाद वो जांचते हैं, देखते हैं, उसके बाद जो है वो फाइनली मुहर लगाते हैं कि आपका ये फैसला सही है कि नहीं, आपका ये प्लान चलने वाला है कि नहीं। तो दोस्तों जितना भी प्लान होता है वो ट्राई के द्वारा ही टिक किया जाता है। दोस्तों आपको दोस्तों वैसे बता दें कि 2017 तक जो है ये जो दोस्तों 6 पैसा पर मिनट के हिसाब से IUC चार्ज लग रहा है सभी कंपनी को। जैसे जियो से आप एयरटेल पे कॉल करते हो तो एयरटेल पे 5 मिनट कॉल करा है तो जियो वाले कंपनी को जो है 5 मिनट के 6 पैसा प्रति मिनट के हिसाब से देने अभी पड़ रहे हैं। वैसे दोस्तों 2017 से पहले तक जो है 14 पैसा प्रति मिनट देना पड़ता था। पहले तो और महंगा था दोस्तों IUC पैक, ठीक है दोस्तों, IUC पैक पहले बहुत महंगा था। तो दोस्तों जियो जो है 2017 में IUC पैक घटा के 6 पैसे किया गया था ट्राई के द्वारा। तो ट्राई अच्छा फैसला लिया था उस समय और दोस्तों उन्होंने बोला था कि 2020 तक जो है इसे फ्री करेगा, ठीक है, 2020 के मार्च तक। लेकिन ऐसा अभी जो है कहना मुश्किल हो रहा है क्योंकि ट्राई जो है बोल रहा है कि इस पे और विचार करेंगे। और दोस्तों इसके अलावा एक और बात बता दें कि जियो जो है फ्री में जो जितना डाटा दे रहा था, कॉलिंग दे रहा था, तो ट्राई ने ही रोका था 2017 के आसपास समथिंग, क्योंकि दोस्तों सभी कंपनी जो है एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन को इससे काफ़ी नुकसान हो रहा था, सभी यूजर्स इनके भाग रहे थे। ऐसे में दोस्तों जो है ट्राई ने जो है इनके फ्री सुविधा को रोकने को बोला था और अल्टीमेटम दिया था कि आप इतने दिनों के अंदर जो है आप अपना ये फ्री सेवा को बंद करो और यूजर्स को जो है डाटा पैसे पे दो। उसी तरह दोस्तों अभी जो ये पैक निकाला है इन्होंने IUC टॉपअप के नाम पे, जिस पे 6 पैसा प्रति मिनट हर एक यूजर्स को एक्स्ट्रा में देना पड़ेंगे सभी कंपनी से बात करने के एवज में, तो इसके ऊपर दोस्तों अभी फैसला ट्राई लेगा, लास्ट फैसला, ठीक है। ऐसे तो सिम कंपनी जियो की तरफ से ये अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है, लेकिन दोस्तों ये फैसला ट्राई ही लेगा दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों ये 2-3-5 दिन में क्या रिपोर्ट निकल के आती है। वैसे दोस्तों आज से कल तक में क्लियर हो जाएगा कि जियो के भविष्य का फैसला क्या होने वाला है। दोस्तों चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।